नमस्कार, राज 24 न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। कांग्रेस अपने सियासी रथ के साथ जिन नेताओं के भरोसे चुनावी मैदान में उतरते हुए राजनीतिक युद्ध को जीत लेने के ख्वाब सजाती रही, उन नेताओं ने अब तक केवल और केवल इस जंग में हर बार हार का सामना करते हुए कांग्रेसी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। इसी कांग्रेसी संकट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनावी परिणामों ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक दिशा लगभग तय कर दी है। जहां उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली, वहीं कांग्रेस शासित पंजाब में इनका सूपड़ा साफ होता नजर आए। तो वहीं अन्ना आंदोलन की आंधी से जन्मी आम आदमी पार्टी को 92 सीटों का बंपर बहुमत मिला और इसी बहुमत से आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही। लेकिन बहुमत से काफी कुछ ज्यादा ये जनता का इशारा है कि सियासत की नई दिशा तय की जा चुकी है। तमाम सियासी नेता भी इससे अनजान नहीं है, फिर भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस सुनामी से बेखबर होने का ढोंग करते हर गली हर चौराहे में नजर आ जाएंगे। अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस में रहकर राजनीतिक रोटी सेंकने वाले ये कांग्रेसी नेता हद तो तब कर देते हैं जब कमल छाप होने के साथ साथ खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन ये बात सफेद बेदाग कुर्ते जैसी साफ हो चुकी है कि कांग्रेस की कलह ने ऐसा क्लेश पैदा किया है कि पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत अब वो भी साफ होती नजर आ रही। बीते 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेसियों की ऐसी दुर्गति हुई है जिसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेसियों को एक पांव खड़े होकर तपस्या करने जैसा परिश्रम जनता के बीच करना ही होगा। उत्तराखंड में जो एक धार्मिक लहर चल रही है माननीय मोदी जी के छत्र छाया में, माननीय मोदी जी के छत्र छाया में, माननीय मोदी जी के छत्र छाया में, वो और आगे विकसित हो उसके लिए आज मैंने अभिषेक किया है। कांग्रेस के कमल छाप नेता इसी तरह एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी बीजेपी का एकमात्र विकल्प बनकर उभर आएगी, जिसे पंजाब और दिल्ली की जनता ने स्वीकार तो कर ही लिया है। आने वाले समय में देश की जनता इस सच्चाई से रूबरू होगी और वो दिन भी दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी की सरकार देश के कोने कोने में होगी और अरविंद केजरीवाल को लोग देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखते नजर आएंगे। दिल्ली के बाद पंजाब में राजनीतिक परिवर्तन देश की क्या दिशा तय करता है ये तो आने वाले चुनावों में पता चल ही जाना है। वहीं मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की स्थिति पर चुनावी चाणक्यों चुनावी पंडितों के बोल लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। कुछों का कहना है कि कांग्रेस बिना कैप्टन का जहाज है, बिना माझी के नाव है, तो कुछ कांग्रेसी अपनी स्थिति स्पष्ट करने से बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ कांग्रेसी अब साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं। ऐसे में उन तमाम ईमानदार और राजनीतिक छवि रखने वाले नेताओं का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा है जो कांग्रेस के साथ निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ते हर बार हर मंच से दिखाई देते रहे। हर वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए दिन रात एक कर संघर्ष करता रहा है, मध्य प्रदेश के आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस को कहां खड़ा पाता है ये उसके लिए भी अब सवाल बन चुका है। तो वहीं हम बात करें रीवा जिले के राजनीतिक परिदृश्य की। आज से 2 दशक पूर्व रीवा में कांग्रेस का परचम लहरा था, जहां अमहिया तिवारी परिवार का बोलबाला होता था, राजनीति का केंद्र बिंदु अमहिया हुआ करता था, जहां पूरे जिले की राजनीति इन्हीं के घराने रिश्तेदारों के आसपास मंडराती हुई नजर आती थी। यहीं से गुटबाजी का वो दौर भी शुरू होता है। आज उन्हीं के वंशजों की भूमिका राजनीति में हाशिए पर आ चुकी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता तो अब ये भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस की लुटिया डुबोने में अमहिया परिवार का खासा योगदान रहा। कहीं इनके समर्थकों को वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए जोर जोर से नारों का उद्घोष करना पड़ता है, तो कहीं इनके खानदान के राजनीतिज्ञों को बाउंड्री के बाहर खड़े होकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ जाते हैं।
अगर हम बात करें रीवा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां 3 बार के कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे महाराजा पुष्पराज सिंह की, तो इन दिनों वो अपने आप को कांग्रेस से अलग करके, कांग्रेस से जुदा करके अपने राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लगा चुके हैं। तो वहीं अमहिया की कांग्रेस अब जाकर पुराने बस स्टैंड में एक होटल में बैठ गई। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के ब्राह्मण बहुसंख्यकों पर विवादित बयान से पार्टी में नुकसान का आकलन सहजता से किया जा सकता है। जो व्यक्ति कभी पार्षद का चुनाव न जीता हो, वो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की कृपा से जिला अध्यक्ष का पद उपहार स्वरूप प्राप्त कर ले, लिहाजा कांग्रेसियों में द्वंद की स्थिति भी निर्मित होनी जायज। अब रीवा की जनता ये तय नहीं कर पा रही, ये समझ नहीं पा रही कि कांग्रेस आखिर किस पायदान पर खड़ी हुई है। यहाँ जनता को केवल एक ही चीज समझ में आती है कि यहाँ अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है, और अपना अपना राग ये कांग्रेसी अलापते नजर आ जाते हैं। मजाल है कि शीर्ष नेतृत्व तो रीवा में कदम रख दे और इन कांग्रेसियों के बीच आपसी लड़ाई, आपसी विवाद और जूतम पैजाल ना हो। ऐसी विडंबना के बीच कांग्रेस को सियासी कमान मिलेगी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न। विगत 4 से 5 सालों से सत्ता से दूर टुकड़े टुकड़े को मोहताज, टुकड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी को एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे ये नेता 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद कुछ सीख ले पाते हैं या कांग्रेस को डुबोने में ही अपना पूर्ण योगदान देते नजर आते हैं, ये तो आने वाला समय बतला ही देगा। लेकिन किस तरह से मंच में बैठने लालायित कांग्रेसी जनता के बीच संदेश देते हुए नजर आते हैं, उससे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का अब दोबारा सूर्योदय होता नजर आएगा। खैर, आइए चर्चा करते हैं कांग्रेस के नेताओं में। सबसे पहले जानते हैं रीवा विधानसभा के 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे महाराजा पुष्पराज सिंह की, आखिर वो कांग्रेस की इस दुर्गत के बारे में क्या कहते नजर आते हैं। बहुत स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एक व्यवस्था के साथ वहां लोगों ने काम किया, और जो जनता जनार्दन का रुझान था वो था एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके परिणाम बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। जो भी लोग कह रहे थे वो अपनी जगह कह रहे थे, लेकिन परिणाम बहुत ही अभूतपूर्व आ रहे हैं। उत्तराखंड में जो लोग ये बोल रहे थे कि थोड़ी स्थिति डामाडोल हो सकती है, एक कॉम्पिटिशन है, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा है, हम लोगों ने जब सर्वे करवाया और जब मैं वहाँ गया था देहरादून और 8-10 जगह गया, चौबट्टा खाल भी गया जो महाराज जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो साफ समझ में आ रहा था कि लोग बिल्कुल व्यवस्था से कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं और एक व्यवस्था चाह रहे हैं वहाँ, और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ देंगे। रही बात पंजाब की, तो ये लगभग पता पड़ गई थी कि क्या हो रहा है वहाँ आपके बारे में, लेकिन इससे जो स्थिति सामने निकल के आ रही है, मुझे कहते हुए हर्ष हुआ कि अभी मेरी महाराज से बात हुई, सतपाल महाराज जी से, और लगभग 5,000 से वो इस समय लीड कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ कि ये जो वोट उनको मिल रहे हैं, एक प्रकार से मैंने जब से मैं संपर्क में आया हूँ, सतपाल महाराज जी उत्तराखंड के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर ही रहे हैं। मंत्री तो खैर अपनी जगह पे कोई आता है कोई जाता है, कुछ भी होता है, पोर्टफोलियो भी बदल सकता है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर वो रहे हैं, और उन्होंने हमेशा कहीं भी किसी से भी, मैं उनके साथ माननीय उदय मोहरकर जी से मिला जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, मैं उनके साथ माननीय सिंधिया जी से मिला, मैं उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, कहीं भी वो चूकते नहीं हैं। उत्तराखंड के बारे में, आपके चारों धाम यात्रा के बारे में बात करने में, तो मैं मानता हूं कि ये जनता ने देखा कि ये आदमी दिन रात हमारे लिए सोच रहा है, दिन रात ये परिश्रम कर रहा है कि उत्तराखंड का एक विकास हो, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया है। मैं लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। जो स्थिति उन्होंने करी और जो उन्होंने बात कही और जो उन्होंने वचन दिया और बहुत सारी चीज़ें हुई, उसका क्या किया, उसका उन्होंने मुझे क्या सिला दिया, मुझसे ज़्यादा बेहतर यहाँ की जनता जनार्दन जानती है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे न रहना चाहिए,
व्यवस्था भी ये कहती है, शास्त्र भी ये कहता है, धर्म भी ये कहता है। मतलब परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ? नहीं, मैं परोक्ष रूप से विंध्य के विकास के साथ में हूँ। मैं परोक्ष रूप से नहीं, स्पष्ट रूप से हमारे इस पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास के साथ में हूँ। मैं स्पष्ट रूप से भारत में उस व्यक्ति के साथ में हूँ जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने भारत की कहीं ना कहीं इमेज और जिन्होंने भारत का एक परचम पूरे विश्व में जाके लहराया है। आज भारत के लिए लोग पूछ रहे हैं, आज अमेरिका भारत से पूछ रहा है, आज यूके भारत से पूछ रहा है, जर्मनी भारत के लिए पूछ रहा है, आज यूक्रेन और रशिया दोनों भारत को कहीं ना कहीं से ये मान रहे हैं कि अगर ये बीच में आ गया तो ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को और जो जो व्यक्ति उसको ले कर चलता है उसको मानते हैं। हाँ, आज मैंने अभिषेक करा क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि जिस प्रकार से चारों धाम यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ के जो 11 और 12 किलोमीटर के टनल के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो रेलवे लाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो केदारनाथ तक, बद्रीनाथ तक जाएगी, तो उसके लिए जो बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर एक प्रकार से चारों धाम यात्रा के साथ साथ उसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उनको अगर आगे आके जीतते हैं तो निश्चित रूप से एक उस क्षेत्र का, और उस क्षेत्र का ही नहीं हिंदू धर्म का भी, और भारत के अंदर जो हिंदू धर्म की एक विवेचना है और जो एक प्रतिष्ठा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बात होगी। सुना आपने महाराजा पुष्पराज सिंह को, जिनसे रीवा विधानसभा सीट भाजपा के राजेंद्र शुक्ला ने छीनी थी, जिसके बाद रीवा से कांग्रेस का सफाया शुरू हुआ और आज यह स्थिति है कि 8 की 8 सीट के साथ लोकसभा सीट भाजपा की झोली में है। आइए सुनते हैं मऊगंज विधानसभा से विधायक रहे सुखेंद्र सिंह बन्ना को, जो उत्तर प्रदेश में मिली हार और जिले की गुटबाजी के संबंध पर खुलकर बोलते हुए मिली करारी हार की समीक्षा की बात करते हैं। ये जो अभी चुनाव 5 राज्यों के परिणाम आए हैं, इसमें मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टियां एकजुट होकर के एक अपना सुनियोजित तरीके से, जहां जिस तरीके से इनने समझा अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कवर नहीं कर सकती थी तो उन्होंने आपको साइड दिया, इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस गोवा में लड़ने चली गई जहां उसने भी कुछ वोटें पाई, तो इस तरीके से जो भी इनसे बन पड़ा तरीके से इन्होंने कांग्रेस को रोकने का काम किया। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी रहे हों, चाहे हमारे राहुल जी रहे हों, सारे लोगों, दोनों लोगों ने अब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे 5 राज्यों में अपने संघर्षों के दम पर कांग्रेस को, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, तो उन्होंने कोई कोर कसर कभी किसी तरीके की नहीं की। जहां तक सवाल है, देखिए जनता कहीं कहीं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, मैं भी वहाँ चुनाव प्रचार में था, वहाँ योगी आदित्यनाथ को जनता हराना भी चाहती थी वहाँ की, और कुछ जनता जिताना भी चाहती थी, इसलिए आर पार में वोट पड़े। बाकी ऐसा नहीं था कि कांग्रेस को लोग वोट देना नहीं चाहते थे। इस बार का चुनाव आर पार की वजह से सपा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़े। कांग्रेस की परसेंटेज की पहले ही बताया कि 3% 10% का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि वहाँ जनता दो तरफा, मतलब एक पक्ष था हराने वाला, एक पक्ष था जिताने वाला। जहाँ पर वो ये लगता था कि हाँ हम हरा सकते थे, वहाँ हराने की तरफ गए, और जो लोग चाहते थे कि हम जिताना, वो जिताने के पक्ष, इसलिए आर पार में वोट पड़ी। वहाँ तीसरे दल में कहीं वोट नहीं पड़ी, मुश्किल से 1-2-4 सीटों में पड़ी, वो भी सब सारी मैनेज सीटें थी जो जहाँ जैसे थे। देखिए स्वाभाविक है, कांग्रेस को सतर्क होने की ज़रूरत है, बाकी हार से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं समझता हूं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक इसमें सुधार की ज़रूरत है, सुधार होना चाहिए। देखिए कांग्रेस में वो कितना है कितना नहीं है ये आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, हमें उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका व्यक्तिगत मैटर है। और उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी से 2-2 बार विधायक हैं, और उनके संबंधी भी उत्तराखंड में
हैं, सब सारी बातें हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं देखिए, गुटबाजी तो थोड़ी बहुत हर जगह है, यहाँ भी है, लेकिन उसमें सुधार की ज़रूरत है, हम इस बात से आपके सहमत हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में कसावट की ज़रूरत है, चिंतन का की ज़रूरत है, और ऊपर से लेकर के नीचे तक एक चिंतन, जब तक अच्छी सोच और पार्टी के लिए मजबूती के लिए एक अच्छी सोच नहीं होगी तो निश्चित रूप से नुकसान होगा आने वाले समय में। मैं समझता हूँ कि इस पांचों राज्यों की हार से सीख जरूर लेने की ज़रूरत है। सुना आपने, कांग्रेस की ये दुर्दशा का कारण आपसी गुटबाजी, जिसे कांग्रेसी स्वीकार करने में संकोच तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये एहसास हो रहा है कि अगर इसी तरह गुटबाजी जारी रही तो कांग्रेस का उभरना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आइए सुनाते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू को, जिन्होंने स्वीकार किया कि गुटबाजी चरम सीमा पर है और आने वाले 2023 के चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिलने की आशा तनिक भी नहीं नजर आती। लेकिन फिर भी गुरमीत सिंह मंगू आशा लिए बैठे हुए हैं, लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन 20 सालों में जो नहीं हुआ वो कैसे अचानक परिवर्तन की लहर बनकर आ जाएगा, कांग्रेस को सत्ता में ले आएगा, ये जादू कैसे होगा, ये सुनते हैं शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा। मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार होगी और ये परिणाम लड़ने के लिए हैं, ये परिणाम सीखने के लिए हैं, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और गोडसे की विचारधाराओं को तोड़ने के लिए कार्यकर्ता ठान चुका है। देखिए, ज़िले में जो वातावरण है, यह सच है कि यह वातावरण किसी एक ज़माने में कांग्रेस का वातावरण था, लेकिन 2003 के बाद लगातार हमें वो हासिल नहीं हो पाया रीवा ज़िले की राजनीति में कांग्रेस को जो हासिल होना चाहिए। उसके लिए मेरी व्यक्तिगत राय है, इसके लिए नेता दोषी हैं, कार्यकर्ता दोषी नहीं हैं। नेता दोषी इसलिए हैं कि जो ज़िले के अंदर नेता टिकट मांगते हैं कांग्रेस में रह के और कांग्रेस का ही गड्ढा खोदते हैं, वो ऐसे लोग दोषी हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो दोषी नहीं है, आदरणीय राहुल भैया, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पुजारी, ये सब एक सूत्र में बंध के कांग्रेस को की नैया को पार लगाना चाहते हैं। जिनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती टिकट की, वो अपना काम करते हैं, वो लोग दोषी हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाना चाहिए और कांग्रेस में रह के कांग्रेस का गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। और मेरा 2023 का जो आने वाला चुनाव है, इस बार रीवा की आठों सीट कांग्रेस की झोली में होगी। रीवा ज़िले का कार्यकर्ता समझ गया है, थोड़ा देर ज़रूर लगी, रीवा ज़िले का कार्यकर्ता समझ गया कि ये वही लोग हैं जो चुनाव के 3 महीने पहले टिकट मांगने आते हैं और टिकट न मिलने के बाद ये जो है अपना काम करते हैं, पूरे 5 साल ये गायब रहते हैं। कार्यकर्ता ब्लॉक का, संगठन का, मंडलम का, सेक्टर का, NSCI का, यूथ कांग्रेस का, ये सभी कार्यकर्ता, जो ये नौजवान पीढ़ी के हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो बदमाशी और कलाकारी होती है वह कांग्रेस के ही कुछ नेताओं द्वारा होती है, वह इस बार इनको भी सबक सिखाएगा। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और जो भी नेता है, जो अपने नेता की जिंदाबाद लगा रहा है, उसे और ताकत के साथ लगाना चाहिए, लेकिन उसे पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपना चाहिए। क्या कुल मिलाकर मैंने लगातार आपसे कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार होगी, रीवा ज़िले के 8 में से हमारी कोशिश होगी 8 सीट जीतने की, अगर हम किसी कारणवश चूके भी तो हो सकता है कि 1 या 2 सीट चूकें, 6 सीटें हम जीतेंगे। और जो लोग, मैं बार बार एक कह रहा हूँ कि जो लोग, चाहे वो सिमरिया की बात करूं, चाहे मैं रीवा की बात करूं, चाहे मैं त्योथर की बात करूं, चाहे मैं मऊगंज की बात करूं, चाहे मैं देवतलाव की बात करूं, जो लोग टिकट के समय मैदान में आते हैं और फिर फूल छाप कांग्रेसी बन जाते हैं, उन्हें कांग्रेस का कार्यकर्ता पहचान चुका है और उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। 2003 से हम लोग सुन रहे हैं ये चीज़ें, इसके बाद भी वही परिणाम है,
इसका मतलब कि हम कहते जो है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये सच है कि आप 2003 से सुन रहे हैं, और एक यह भी सच है कि मैं 1996 से सक्रिय राजनीति की भागीदारी कर रहा हूँ। नौजवान मंथन करता है, यहाँ का कांग्रेस का जो बुजुर्ग है वो भी मंथन करता है। पार्टी का के विचार गलत नहीं है, ना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व गलत है। आदरणीय राहुल भैया के नेतृत्व में बिंद में एक नई दिशा, एक नई बिहार चलती है। आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी के नेतृत्व में एक बिहार चलती है। आदरणीय कमलेश्वर भाई के नेतृत्व में एक बिहार चलती है। ये जो खेल होता है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नहीं होता, ये खेल जिले के ही कुछ कलाकारों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा, और इसके लिए मैं मुझे और मेरी जो कांग्रेस के संगठन के लोग हैं मंडलम सेक्टर ब्लॉक के, इस बार उन्हें पसीना ला देंगे। शहर अध्यक्ष का मानना है कि गुटबाजी चरम सीमा पर है, और चार वर्ष कांग्रेस से दूरी बनाने वाले चुनाव के समय टिकट हासिल कर मैदान में आ जाते हैं, जिसके चलते हार मिलती है। इस पंचवर्षीय में ऐसा नहीं होगा। अब सुनते हैं ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला को, जिनका चल रही गुटबाजी और आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहना है। कांग्रेस की यह स्थिति की पूछे, पांच राज्य की आप बात कर रहे हैं कि हमारे इधर की बात कर रहे हैं? पांच राज्यों में हारे हम बुरी तरह हारे, ये बात सही है, लेकिन हम लोग हार नहीं मान रहे हैं। हार मानना गलत, हार नहीं मान रहे हैं। फिर लगेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच फिर जाएंगे, जनता की जो समस्या होगी उसके निजात दिलाएंगे। रही आप मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में हमारी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयारी, हम लोग मंडलम सेक्टर इनके सब के उसमें चल रहे हैं। पिछले चुनावों के भी हार की बात आपको, पिछले चुनाव हारने का भी कुछ कारण रहा भाई, बहुत सारे लोगों को इधर उधर से भी लाया गया, वह भी एक फैक्टर हो सकता है। कोई ये नहीं कि मैंने ये नहीं हो सक, हो भी सकता। दूसरा, संगठन में क्या होता है आए दिन देखते हैं, हमारे बहुत सारे लोग आते हैं वो टिकट मांगते हैं। टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टिकट मांगने के बाद एक को टिकट मिलती है वो 20 उसके पीछे लग जाते हैं। ये गलत बात है भाई। या तो जिसको काम करना है वो पूरा 5 साल काम करो, जनता के बीच जाइए। 4 साल 11 महीने गायब रहते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं फिर से, और 1 महीने में अगर टिकट नहीं मिली तो फिर बीजेपी में चले जाएंगे, वोट देंगे बीजेपी बहुजन XYZ जिसकी उनकी वोट देंगे, फिर उसके बाद फिर कांग्रेस में लौट आते हैं। तो भाई या तो जहाँ 1 महीने रहो वहाँ के लिए चले जाओ परमानेंट। और पार्टी हाईकमान, हमने तो भाई उनसे भी नहीं, अपने हाईकमान से भी निवेदन किया है कि मंडलम सेक्टर जो भी बन रहे हैं वो सब में अनुशासन तो बहुत मस्त जरूरी है। अनुशासन अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। और इस तरह के जो लोग हैं कि सिर्फ चुनाव के पीरियड आते हैं और टिकट मांगने आते हैं, इनको जनता को भी नेग्लेक्ट करना चाहिए। जनता भी देख चुकी है सबकी भाई कौन क्या कर रहा है। जो इस तरह के वातावरण जैसे जिले में है, आप देख ही रहे हैं जिले की स्थिति क्या है। विकास काम देख लीजिए, विकास पुरुष हैं, विकास काम देख लीजिए। अब रीवा में चल नहीं सकते, लगातार भारत बंद। 2003 से आप रीवा में फ्रीली नहीं चल सकते, आप स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी कहीं किनारे खड़ी करेंगे, पैदल चलेंगे। ये विकास है रीवा का, अब क्या कहें इसमें, जनता कैसे पढ़ते रही। जनता को हम बता नहीं पा रहे हैं उनके विकास नहीं, जनता को तो हम लोग बता पा रहे हैं, जनता सब जानती है। देखिए जनता कुछ बताने को बाकी नहीं है, जनता हमसे आपसे ज़्यादा जानती है। लेकिन अब कारण क्या है कि महंगाई भी मुद्दा नहीं बन पा रहा, भ्रष्टाचार भी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं है, मैंने इस तरह की जो स्थितियां हैं वो मुद्दे पे नहीं आ रही हैं, लोग उस पर वोट नहीं दे रहे हैं। झूठे प्रलोभन पे लोग वोट दे रहे हैं, झूठे फर्जी राष्ट्रवाद पे लोग वोट दे रहे हैं। तो इसकी बात अब हम क्या करेंगे, जनता क्या चाहती है। नहीं, इनको दूर करना होगा कांग्रेस के नेताओं को। हम कहते हैं, हम जिले की बात करते हैं, जिला कमाल नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ जो लड़ना चाहते हैं लोकसभा विधानसभा या कि और छोटे मोटे चुनाव, सबको एक साथ बैठ के अपने मन की बातें, मन का मुटाव दूर करके, और बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी से लड़ने के लिए मैंने सब एक साथ होकर लड़ेंगे तभी विजय हासिल होगी। अगर इसी तरह लड़ेंगे कि एक लड़ेगा 19 विरोध करेंगे तो पार्टी के अंदर की गुटबाजी को आप स्वीकार करते हैं? पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं, गुटबाजी की बात ये कह रहे हैं कि भाई आपसी वो, उसको पार्टी की गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व जो तो सब एक हैं, सबका लक्ष्य एक है कि कांग्रेस जीते, ये प्रदेश के नेता हों, सब कुछ हों। कुछ लोग ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो माने उसको हम गुटबाजी पार्टी के नेताओं की नहीं कह सकते। उनमें एका की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं टिकट मांगते हैं फिर चले जाते हैं। अभी आपसे निवेदन किया कि 4 साल 11 महीने आएंगे कांग्रेस के लिए बात करेंगे, 1 महीने के लिए डिप्टीशन में चले जाते हैं। तो कहते जहाँ 1 महीने के लिए जाते हैं वो तो पूरा 4-5 साल के लिए चले जाएँ। इसकी भी इनकी बात हम कर रहे हैं कि जो इस तरह के लोग आके पार्टी में भ्रम फैलाते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। आपने सुना
साथ शहर और ग्रामीण अध्यक्ष को, जिन्हें सुनकर आप ये अनुमान लगा लिए होंगे कि कांग्रेस किस तरह से आपसी गुटबाजी में व्यस्त है, इसके बावजूद आशाएं लगाकर बैठे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा को, जिन्होंने बताया कि इन छात्रों की लड़ाई में आप पार्टी प्रदेश में भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। कांग्रेस के जो है हालात जो है वो पूरी से बस से बदतर है, और जो कांग्रेस जो है जिस प्रकार से जो है कांग्रेस के बड़े लोगों का, बड़े लोग जो हैं, बड़े राजनीतिक हैं, उनका जो है सभी छत्र का जो बीजेपी के बड़े छत्रक हैं उनके साथ में सांठगांठ है, क्योंकि इनके सबके कारोबार हैं ये। इसी कारण से कांग्रेस जो है पूरी तरह से पतन की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से लास्ट टाइम में जो है कमलनाथ सरकार में से जो बहुत सारे लोग चले गए भाजपा में, वही कारण है कि आज जो है कांग्रेस जो है पांच राज्यों में बुरी तरह से जो है पतन की ओर गई है, और इसका फायदा जो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही जो है कांग्रेस की जगह में जगह लेगी। बहुत सारे लोग कांग्रेस के लोगों का मेरे साथ में और मेरे प्रदेश स्तर पे जो है संपर्क है, और अब जो है तीसरा प्रदेश जो है आम आदमी पार्टी का, वो इसी कारण से जो है मध्य प्रदेश भी होगा। और यहाँ पर जो है जितने भी ये जो छत्रक भाजपा के हैं, चाहे वो रीवा के जो है मंत्री जी हो, मुन्नू हो, या फिर जो है मुन्ना हो, या सिमरिया के मुन्नू हो, या फिर आठों विधानसभा के जितने हैं, ये सभी लोगों का जो है पतन सुनिश्चित है। इसको कांग्रेस जो है इन सभी को कभी हरा नहीं सकती। इस बात को जो है आम आदमी पार्टी कहती पहले से आ रही है, और अब जो है कांग्रेस की जगह में आम आदमी पार्टी पूरे पूरे बल के साथ खड़ी होगी, और आने वाले समय में इन कांग्रेसियों को और बीजेपी को कांग्रेस की जगह में आम आदमी पार्टी होकर बीजेपी के समस्त ये जो है जो मायाजाल जो बुना हुआ है उसको एक एक करके ध्वस्त करेगी, और आने वाले समय की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेत्री कविता पांडे को, जो अक्सर लोगों की समस्याएं उठाते तो दिखती हैं, लेकिन चुनाव के समय इन्हें भी दरकिनार कर दिया जाता है। हाल ही में मनगवा में आयोजित कमलनाथ के कार्यक्रम में इन्हें तक प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि महापौर की टिकट ना मिलने के चलते इनके द्वारा भी बगावत की गई थी, और कई बार भीतरघात के आरोप भी लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, उसको बहुत बहुत बधाइयां। मैं मोदी जी अब वैश्विक स्तर के नेता बन चुके हैं, मेरा उनसे अनुरोध और आग्रह है कि ईवीएम छोड़ के एक बार बैलेट पेपर से चुनाव जरूर करा लें। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो 2018 में आप जानते हैं कि सरकार बनी थी, और सरकार ये लूट कर बनी हुई अभी सरकार है। 2023 में जब चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश में निस्संदेह कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मैंने शुरुआती दौर में ही बधाई उनको दी है। भारतीय जनता पार्टी के कुशल प्रबंधन, संगठन और तरीके से जो भी ईवीएम मैनेजमेंट के कारण चुनाव की जीत हुई है, मैं उनको बधाई देती हूँ। और निश्चित रूप से कांग्रेस उसमें विवेचना करेगी, संगठन में बातचीत होगी कि आखिर क्या कमी बेसी रहेगी जिसके कारण परिणाम इस तरीके के आए। लेकिन रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो 2018 में सरकार बनी है और हम लगातार ही चुनाव जीतते रहे। ये तो लूट पूट की सरकार है, आपको पता है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सबका सामंजस्य है, तालमेल है। जिस तरीके की घटना का जिक्र आप कर रहे हैं ऐसी मुझे कोई सूचना नहीं है, और जहां बड़े परिवार होते हैं वहां कुछ बर्तन खटकते ही हैं। मतभेद नहीं होना चाहिए और नहीं है। तो कांग्रेस एक बहुत विशाल वटवृक्ष की तरह है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और निसंदेह कल का जो घटना चक्र आ रहा है, जो रिजल्ट आए हैं, उसकी विवेचना होगी और उस पर डिस्कशंस होंगे कि आखिर क्या कमी बेची रह गई, और उसके सुधार की दिशा में कार्यक्रम होंगे। जिला अध्यक्ष जी को तो खुद ही सिमरिया से टिकट मिला था, यदि उन्होंने कुछ कहा होगा तो उनकी अपनी सोच होगी, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं। यह थे डूबती कांग्रेस की नाव पर सवार कांग्रेसी। अब आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को, जिन्होंने अपने ही अंदाज में कांग्रेस पे निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश भर ही नहीं, चार राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और चारों राज्यों में फिर से रिपीट हुए हैं। तो ये जो मोदी जी ने जिस ढंग से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, खासकर कोरोना काल में आर्थिक नियोजन और इस बीमारी के नियंत्रण के लिए जो उपाय किए गए, गरीबों के जीवन को बचाने का जो काम किया, और प्रदेश सरकारों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस
तरीके से गरीब आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। एक सकारात्मक राजनीति की गई अपराध के नियंत्रण से लेकर के और विकास की अनंत ऊंचाइयों तक को एक साथ रख करके जो संयुक्त प्रयास हुए उन सबका ये परिणाम है। और ये सकारात्मक राजनीति राष्ट्रवादी राजनीति की जीत है और परिवारवाद स्वार्थवाद और भ्रष्टाचार और धर्म के आधार पर देश को समाज को विभाजित करने वाले लोगों की पराजय है। एक कांग्रेस की हार गई है, गुटबाजी की नीति है इनमें, और ये दुर्दशा का कारण क्या मानते हैं आप? जिस तरह लगातार सामने निकल के आती है गुटबाजी की और दुर्दशा इस तरह हो रही है। गुटबाजी नहीं, कांग्रेस को असल में जिस तरह से जनता की भावनाओं को कुचलने का काम किया, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बलाए ताक रख करके और मनमाने ढंग से केवल अपने स्वार्थ अपने परिवार के स्वार्थ की जो राजनीति की, कांग्रेस का इसी तरह हस्त्र हो, जो कोई भी इस तरह का काम करेगा कांग्रेस ही के जो भी इस तरह का काम करेगा उसका यही हस्त्र होगा। कांग्रेस से तो अब हमको लगता है इतिहास की पार्टी बन के रह जाएगी। तो क्या कहा जाए कि आगामी को भी आगे भी जो चुनाव होने वाले उसमें भी इसी तरह अपना नहीं, कांग्रेस का तो इस देश में कोई भविष्य है नहीं, खत्म हो चुकी पार्टी। छह आदमी है बताइए आदर्श भैया जिस ये क्या हो रहा है? अरे मीडिया देख रहा है, कौन मीडिया देख रहा है? लफंगे चाहे ये गरम है भैया, चलो 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 चढ़िए चढ़िए, ये दंगा हो गया। अरे का बताई देखी लाख विवाद एकदम करल रहा, प्रशासन के अस्थम लगा है। क्या मतलब है तो सब नहीं, सब लोग अंदर ऊपर जाते हैं, सब कुछ सब थोड़ी चल जाए, सब कोई चाहता है व्यवस्था न बिगड़े भाई। चलिए आप लोग फाइन हो जाएगा भाई, वहाँ एंट्री है जिसको जानना। हाँ गुटबाजी बीजेपी नहीं आई है आज, अब यह हाल ही भाई कहीं देखिए ये सब एकदम गुटबाजी का अपने घुसे रहे हैं बाकी झाटा ही सब भर जा रहे हैं। अरे वोटर है भैया, हम लोग सब खुद ही बना रहे, ये गलत कर रहा है वो, मैं बता रहा हूँ मुर्दाबाद भाई बनवाई, गुटबाजी कब खत्म होगी?
चीज है यार, सब बेकार व्यवस्था कांग्रेस की। मैं वोट लेंगी को डुबोने वाले कांग्रेसी छात्रा भी हैं। अमहिया परिवार से शुरू हुई गुटबाजी आज भी जारी है। टुकड़े टुकड़े में बटी कांग्रेस अभी भी मध्य प्रदेश विधानसभा के आने वाले आगामी चुनाव में सरकार बनाने की आशा से बैठी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसी एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हैं, उसे नहीं लगता कि अब कांग्रेस को प्रदेश में मौका मिलने वाला है। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।